गुस्से की आग में करोड़ों की संपत्ति स्वाहा। देश की दौलत जलाने वालों का इलाज क्या है? सस्ती हिंसा, महंगा विरोध, गुस्से की आग में देश को मत जलाओ, विरोध की ज्वाला में अपने ही संपत्ति में आग मत लगाओ, इस तरह तोड़फोड़ मत करो, मत करो पथराव। कानून को हाथ में मत लो, बार बार आग से मत खेलो, बाज आ जाओ। मत मचाओ कोहराम, मत करो तोड़फोड़, मत लगाओ आग। ये आपकी बर्बादी है और नुकसान की पाई पाई की आपसे ही होने वाली है भरपाई। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये आपकी संपत्ति है, आपके ही खून पसीने की कमाई से खरीदी गई है, आप इसके मालिक हैं। पूरे हिंदुस्तान में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सामने आई तबाही के तांडव की तस्वीरें ये बताने को काफी हैं कि कानून हाथ में लेने वाले लोग किस कदर गुमराह हैं। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं कि वे किसकी संपत्ति को फूंक रहे हैं, किसे तबाह करने पर आमादा हैं। रविवार को दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के पास हुई आगजनी और पथराव के बाद मंगलवार को जाफराबाद से हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में यहां उन्मादी भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। आग जली हुई है, ये पुलिस सहायता केंद्र है, ये जो रोड है सीलमपुर से जाफराबाद जाते हुए, ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ बैरिगेट्स लगाए हुए थे, उनको जो तोड़ दिया गया। एक स्कूटर या बाइक वहां पर है और ये आग की जो लपटें हैं अभी भी आपको नजर आ रही होगी कि आग लगाई गई है यहाँ पर। ये पुलिस सहायता केंद्र है जिस पर तोड़फोड़ हुई और बैरिगेट्स यहाँ पर टूटा है। ये शायद कोई संदूक था। अब ये पुलिस चौक इस सहायता केंद्र में रखा गया होगा। एक बाइक उधर जली हुई पड़ी है, ये स्कूटर यहाँ, ये बाइक है बैरिगेट्स के सामने। इसके अलावा ये लकड़ियां देखिए कि यहाँ ये आग लगी हुई है और इसके साथ साथ ये मोटरसाइकिल जली है। ये शूट किया गया है सारा, जो जितने भी लोग यहाँ पे मतलब भीड़ दी हुई सब इसमें रिकॉर्ड किया गया है। हाँ, चेहरे सब साफ साफ दिखेंगे इसमें। स्टंप सब उठ रहा था, सुबह से सब सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। 48 घंटों के भीतर देश की राजधानी में एक बार फिर उपद्रवियों ने बवाल मचाया, कानून को अपने हाथ में लिया, पुलिस पर पथराव किया, हजारों की तादाद में हिंसक प्रदर्शन किए। प्रदर्शन करने वाले कह रहे हैं कि वो नागरिकता संशोधन कानून से डरे हुए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके हिंसक प्रदर्शन से आम लोगों में खौफ बैठ गया है। अधिकार के नाम पर आंदोलन लोगों में दहशत भरने का सबब बनता दिख रहा है। बातचीत हुई है कि जितने भी इनके मौजूद आदमी है सभी हमारे साथ हैं, पूरी एकता कमेटी हमारे साथ है, ये पूरे जितना कम्युनिटी है सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को कृपया अपने हाथ में ना लें। हमने मस्जिद से यही अनाउंस किया, जितने भी एकता कमेटी के मेंबर्स थे सब एक साथ थे, सबने यही अनाउंस किया है कि जो भी इनकी डिमांड्स हैं उनको अप्रोप्रिएट फोरम पे ये लोग ले जाएं और यहां पे शांतिपूर्वक सिचुएशन को संभालें। प्रदर्शनकारियों की शक्ल में जमा उपद्रवियों ने स्कूल बस को भी नहीं बख्शा, बच्चों को स्कूल से वापस ले जा रही बस पर भी पथराव किया गया।
पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद से सटे सीलमपुर में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव में ACP गोकुलपुरी और एडिशनल DCP नॉर्थ ईस्ट RP मीणा भी घायल हुए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया, वरना हालात के बिगड़ने का अंदेशा था। जब वो डिस्पर्सल होने लगा तब उसमें से कुछ एलिमेंट्स थे जिन्होंने डिस्पर्स होते हुए पथराव किया और कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर उनको पीछे कर दिया वहाँ 66 फुटा रोड के ऊपर ही। दो बसों में के शीशे टूटे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट बसें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें हैं, और एक रैपिड एक्शन फोर्स की जो बस है उस पर भी पथराव हुआ है और कुछ मोटरसाइकिलों को भी डैमेज किया है। इससे पहले रविवार को दक्षिणी दिल्ली में बवाल हुआ था, जहां जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान DTC की 4 बसें स्वाहा कर दी गई थी, पुलिस की मोटरसाइकिलें खाक कर दी गई थी। ऐसा करने वाले भूल गए कि DTC की बसें हमारे और आपके पैसे से ही खरीदी जाती हैं। ये अगर जलाई गई हैं तो इसका पैसा भी आपको और हमें ही भरना होगा। 100 के करीब निजी वाहनों में तोड़फोड़ हुई। बवाल करने वाले भूल गए कि जिन निजी गाड़ियों में वो तोड़फोड़ कर रहे हैं वो किसी और की नहीं, आम लोगों की है, उन राहगीरों की है जिनका इस मुद्दे से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं। इंसाफ के नाम पर विरोध की आग लगाने वाले लोग ये भूल गए कि वो निजी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा कर कैसी नाइंसाफी कर रहे हैं, किसी की दिन रात की गाड़ी कमाई को खाक कर रहे हैं। गवर्नमेंट से डायरेक्ट निपटा जा रहा है इस बारे में। इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के, अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के क्या साबित करना चाह रही पब्लिक? ये कोई प्रॉपर्टी कोई बाहर से तो आई नहीं है। जितने खंबे खड़े हैं, जितनी दुकानों के बोर्ड लगे हुए हैं, सारे अपने ही तो पैसे खर्च करके लगवाए ना लोगों ने। सरकार ने तो लगा कर दिए नहीं, ये शीशे सरकार ने तो लगा कर दिए नहीं। तो पब्लिक अपना नुकसान ना करे, शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट जारी रखे। जो होना होगा गवर्नमेंट ने करना है, और जो गवर्नमेंट ने बिल निकाल दिया उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों जगह पास हो चुका है। बहुत पब्लिक थी सर, बहुत पब्लिक थे। हम तो डर के मारे, अभी भी हमारे हाथ पर देखे कैसे कप कप आ रहे हैं। हम तो हमें अपने घर पहुंचाना है बस। आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मऊ में प्रदर्शनकारियों ने एक थाने को आग लगा दिया, वहां खड़ी 8 पत्रकारों की मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा लोगों के निजी वाहनों को भी निशाना बनाया गया। हालात इतने गंभीर थे कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़कर लोगों को खदेड़ने की कोशिश की गई। भीड़ ने जब पथराव किया तो पुलिस को मजबूरन हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इससे पहले 14 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने 5 खाली ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया था। कई जगहों पर सरकारी और निजी गाड़ियों को फूंक डाला था। पश्चिम बंगाल में इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें मुर्शिदाबाद से लेकर हावड़ा तक से आई हैं, जो ये बताने को काफी हैं कि राज्य में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शनकारी किस कदर मनमानी पर उतर आए। देश में झूठ और भ्रम का माहौल बना रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, जबकि ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई, बराबर आ गई? मैंने साफ साफ बताया कि नहीं बताया? संसद में भी बताया था। आपको समझ में आता है, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनकी राजनीति की खिचड़ी नहीं पक रही है। लोकतंत्र में विरोध का सबको अधिकार है, लेकिन अगर इसके नाम पर कोई सड़कों पर खुलकर आगजनी करे तो ऐसे गुमराह लोगों का मुकम्मल इलाज भी जरूरी है।
सवाल है कि आखिर कानून हाथ में लेने वालों को डर क्यों नहीं लगता। जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने जब संविधान को लागू किया था उस टाइम अपनी स्पीच में एक इम्पोर्टेंट बात कही थी कि अभी तक हम अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो ये जो हमारा जो सारा विद्रोह करने का सारे मूवमेंट्स थे ये अंग्रेज सरकार के खिलाफ थे, तब तक तो ठीक थे, लेकिन अब जब हमारी खुद की सरकार है, ये हिंदुस्तान की सरकार है, हिंदुस्तान के लोगों की सरकार है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स यूज करने चाहिए अपने ऑपोजिशन के लिए, अपने एजिटेशंस के लिए। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स नहीं यूज करने चाहिए। आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं इसको राजनेता, लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ावा देती हैं इन एजिटेशंस को, और जब एजिटेशंस वायलेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो इसका बढ़ावा दे रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करना भी बहुत जरूरी है। दरअसल 1984 में पहली बार पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान पर रोक के लिए एक खास कानून बनाया गया था। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए रोकथाम अधिनियम 1984 में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन के दोषियों को 6 से 10 साल की सजा देने का प्रावधान था। सजा के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान था। 2016 में हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद इस कानून में संशोधन किया गया। इसके तहत यदि कोई राजनीतिक पार्टी का नेता ये साबित कर देता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान उसकी जानकारी के बगैर हुआ है तो उसे इसमें छूट मिल सकती है। ये 1984 का कानून है जिसमें स्पेसिफिकली जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं उसके लिए ये कानून लाया गया, और इसमें बहुत ही क्लियर प्रोविजंस हैं जिसके अंडर में इन ऑफेंसेस को बुक किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरह की राइटिंग और किस तरह का ऑफेंस हो रहा है, पर इसमें जो स्पेशलाइज्ड एक्ट है उस स्पेशल एक्ट में जो सजा का प्रावधान है वो 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, और अगर ऑफेंस में फायर या एक्सप्लोजिव यूज किए हैं तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, साथ ही साथ फाइन का भी है। देश के करीब 2/3 राज्य ऐसा कानून बना चुके हैं जिसमें आंदोलन के दौरान हिंसा होने पर सरकारी संपत्ति के नुकसान के जिम्मेदार लोगों से इसकी भरपाई की जाए। निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई का प्रावधान भी इसमें शामिल है, लेकिन ऐसे हिंसक प्रदर्शन में शामिल लोगों की तादाद इतनी बड़ी होती है जिनकी पहचान करना मुश्किल ही नहीं, कई बार असंभव हो जाता है। बिना पहचान के इनसे नुकसान की भरपाई मुमकिन नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंसा में शामिल गुमराह लोगों की आर्थिक हैसियत इतनी नहीं होती है कि इनसे सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए करोड़ों के नुकसान की भरपाई की जा सके। इसीलिए अब जरूरी है कि सरकार कानून को सख्त करने के साथ ही सामाजिक जागरूकता भी बढ़ाए, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे जो भीड़ वाला जो कोई क्राइम होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बड़ी दिक्कत आती है, उनको पिन पॉइंट करना कि कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व था और एग्जैक्टली इतनी भीड़ में से एग्जैक्टली कौन आदमी था जिसने ये सब क्राइम किया है, ये सब चीज़ करना थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम आती है और ट्रायल में भी इसकी प्रॉब्लम आती है। ट्रायल में जज को चाहिए कि कंक्रीट एविडेंस हो कि ये आदमी ने ही ये क्राइम किया है। तो ऐसी चीज़ों में ऐसे जो क्राइम होते हैं रोइट्स का, जिसका नाम इसको कानून की भाषा में रोइट्स बोलते हैं, रोइट्स के केसेज में सजा करवाना बहुत मुश्किल काम है, और ये सब इन लोगों को मालूम है कि उपद्रव के जो ऑफेंसेज होते हैं उनमें सजा बहुत कम होती है। हमारा क्राइम रेट देखिए, हमारा कन्विक्शन रेट देखिए, ये बहुत कम है, और इसी वजह से इनके हौसले बड़े रहते हैं। दिल्ली का जामिया नगर हो या जाफराबाद, या फिर उत्तर प्रदेश का मऊ हो या फिर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहां भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा बढ़ती है, हर जगह ऐसी हिंसा का सियासत से सीधा वास्ता जुड़ता नजर आता है। पहले हिंसक प्रदर्शन और इसके बाद राजनीतिक बवंडर खड़ा करने का फॉर्मूला हर जगह एक जैसा दिखता है। इसीलिए जरूरी है कि इस तरह के चलन पर रोक लगाई जाए। ये विरोध देश को महंगा पड़ रहा है। हिंसा इतनी सस्ती हो गई है कि गुमराह लोग ये नहीं समझ पा रहे कि देश को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।